हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक विश्व के प्रमुख रिपोर्ट पर आधारित है। फ्रेंड्स, यहाँ से कई एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन सी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग समझेंगे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के बारे में। विश्व बैंक प्रतिवर्ष कई प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उनमें से पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तीसरा है विश्व विकास रिपोर्ट, चौथा है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, पांचवा है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। इन पांच में से दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते रहता है। वह रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एवं विश्व विकास रिपोर्ट। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द याद रखना है, जैसे पहला शब्द है बिजनेस, दूसरा शब्द है ग्लोबल, तीसरा शब्द है विकास, चौथा शब्द है परफॉर्मेंस, पांचवा शब्द है लिविंग। इन पांचों शब्द को हम लोग बैंक के माध्यम से जोड़कर याद रखेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है और उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, ऐसे में वह व्यक्ति बैंक से लोन लेगा, अर्थात वह व्यक्ति बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेता है। आपको बैंक से बिजनेस से जोड़ना है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड शब्द है ग्लोबल। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस ग्लोबल करना चाहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को एक से अधिक देशों में फैलाना चाहेगा, क्योंकि इससे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बढ़ता है। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का अर्थ होता है आशा। जब कोई बिजनेस ग्लोबल हो जाता है, ऐसे में इकोनॉमिक की आशा बढ़ जाती है। इस प्रकार आप जोड़कर याद रख सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है विकास। कोई भी व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से विकास करना चाहेगा, उस व्यक्ति का बिजनेस अब ग्लोबल हो गया है, ऐसे में संभावना है कि वह बिजनेस विकास कर सकेगा, अर्थात विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है परफॉर्मेंस। किसी भी बिजनेस का विकास परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, तो आप यहाँ से जोड़कर याद रख सकते हैं। परंतु एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस को विकास करने के लिए लॉजिक ज्ञान होना जरूरी है, अर्थात वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है लिविंग। लिविंग से आपको लिविंग स्टैंडर्ड जोड़कर याद रखना है। किसी भी व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड पैसे पर निर्भर करता है। यहाँ उस व्यक्ति का बिजनेस ग्लोबल हो गया है, बिजनेस विकास कर गया है, विकास के लिए उसने लॉजिक ज्ञान लगाया, साथ ही उसके परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, इस प्रकार उसके लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, अर्थात ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी के माध्यम से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट को देखते हैं। नेक्स्ट संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रतिवर्ष कई रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उनमें से प्रमुख रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तीसरा है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द को आपको याद रखना है, जैसे आउटलुक, वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राजकोषीय निगरानी। यहाँ पर आउटलुक दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आउट, जिसका अर्थ होता है बाहर, दूसरा है लुक, जिसका अर्थ होता है देखना। मान लीजिए कोई व्यक्ति विश्व को घूमना चाहता है, ऐसे में उस व्यक्ति के लिए इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना जरूरी है। यदि उस व्यक्ति का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, तो वह पूरे वर्ल्ड को घूम सकता है। यहाँ पे इकोनॉमिक का अर्थ होता है मुद्रा। मुद्रा का सेंस होता है धन से। यदि उस व्यक्ति के पास पैसा होगा, तो आसानी से वो पूरे वर्ल्ड को घूम सकता है। इस प्रकार आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी बोल सकते हैं, यदि उस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, तो वह पूरे वर्ल्ड को आसानी से घूम सकता है। जब वो पूरे वर्ल्ड को घूम लेगा, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड को घूमने में काफ़ी पैसा खर्चा होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है राजकोषीय। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ल्ड को घूमेगा, तो उसकी राजकोषीय स्थिति पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर राजकोषीय स्थिति का अर्थ होता है फंड। ऐसे में घूमने के बाद उसकी फंड की निगरानी करना होगा, अर्थात राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं। उसमें पहला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, दूसरा है यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तीसरा है वैश्विक ऊर्जा आर्किटेक्चर प्रदर्शन सूचकांक, चौथा है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, पांचवा है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे फोरम क्या होता है। फोरम उस स्थान अथवा प्लेस को कहते हैं, जहाँ पर विश्व के कई लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की मीटिंग होता है, जहाँ पर विश्व के कई उद्योगपति शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में प्रत्येक उद्योगपति अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं। यह विचार मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति से होता है। तो यहाँ पर आपको आर्थिक और फोरम दो शब्द याद रखना है। दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन है, उनमें एक बात कॉमन है, वह है प्रतिस्पर्धा।
यदि कोई भी बिजनेसमैन आज बहुत ही ऊपर गया है तो अब प्रतिस्पर्धा को जरूर फेस किया है। बिना कंपटीशन के वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आज विश्व के जितने भी धनी देश है, कहीं ना कहीं युवा देश पर्यटन को जरूर बढ़ावा दिया है, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर किसी भी देश का आर्थिक स्थिति निर्भर करता है। तो इस प्रकार आपको जोड़ के याद रखना है, यहाँ पर मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा ध्यान रखना है तथा यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द आपको याद रखना है ऊर्जा। कोई भी व्यक्ति ऊर्जा के प्रदर्शन के आधार पर ही मार्केट में प्रतिस्पर्धा दे सकता है। कंपटीशन के लिए जरूरी है ऊर्जा का प्रदर्शन करना। जो व्यक्ति जितना अधिक ऊर्जा प्रदर्शन करेगा वह मार्केट में उतना ही कंपटीशन दे सकेगा। इस प्रकार आप जोड़कर याद रख सकते हैं वैश्विक ऊर्जा आर्किटेक्चर प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है सामाजिक गतिशीलता। आज विश्व के जितने भी बड़े बिजनेसमैन है वह समाज के लिए गतिशीलता प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग समाज के लिए नए नए चीज खोज कर रहे हैं, अर्थात बिजनेसमैन सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं सामाजिक गतिशीलता सूचकांक विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना है लैंगिक अंतराल। आज विश्व के जितने भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश हैं वह लैंगिक अंतराल पर जरूर ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे अन्य देश की अपेक्षा जनसंख्या कम है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइए विश्व आर्थिक फोरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। पहला, इसकी स्थापना क्लॉस एम स्वाब द्वारा 1971 में किया गया था। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा शहर में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको इस माध्यम से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन। इसके द्वारा प्रतिवर्ष कई रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, दूसरा सूचना आर्थिकी रिपोर्ट, तीसरा समुद्री परिवहन की समीक्षा रिपोर्ट। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र में व्यापार करना चाहता है, उसके लिए उस व्यक्ति को निवेश करना जरूरी होगा। बिना निवेश के वह व्यापार नहीं कर सकता है। चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, निवेश करना जरूरी होता है। आपको ध्यान रखना है किसी भी राष्ट्र में व्यापार करने के लिए निवेश करना जरूरी होता है। इस प्रकार आप जोड़कर याद रख सकते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यहाँ से जोड़कर याद रखिए। अगला है कि जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसकी सूचना प्रतिमा दी जाती है, या कह सकते हैं कि समय अंतराल पर इसकी सूचना दी जाती है। एग्जाम्पल स्वरूप, कई व्यक्ति आज की डेट में म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, इस निवेश की सूचना कंपनी प्रतिमा प्रदान करती है। इस सूचना से यह मालूम होता है कि उस कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसा है, अर्थात सूचना आर्थिकी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है समुद्री परिवहन। कोई भी व्यक्ति व्यापार तीन माध्यम से करता है, एक है स्थल माध्यम, दूसरा है हवाई माध्यम, तीसरा समुद्री माध्यम। आज के दौर में किसी भी देश का व्यापार सबसे ज्यादा समुद्री परिवहन से हो रहा है, तो यहाँ से आपको जोड़ के याद रखना है पहला विश्व निवेश रिपोर्ट, दूसरा सूचना आर्थिकी रिपोर्ट, तीसरा समुद्री परिवहन की समीक्षा रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना 1964 में हुआ था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। यह रिपोर्ट तीन आधार पर जारी किया जाता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको शब्द याद रखना है विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम के माध्यम से ही किसी भी राष्ट्र के मानव विकास किया जा सकता है। तो आपको यहाँ से जोड़ के याद रखना है मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट है नवीकरणीय ऊर्जा निवेश रिपोर्ट एवं वैश्विक अवशिष्ट प्रबंधन आउटलुक। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको शब्द याद रखना है पर्यावरण। पर्यावरण को क्षति सबसे ज्यादा दो चीजों से होती है, एक है उद्योग धंधा एवं परिवहन, दूसरा है बिजली। आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए बिजली बहुत बड़ा कारक है। बिजली एक ऊर्जा का माध्यम है, तो आपको यहाँ से जोड़ के याद रखना है नवीकरणीय ऊर्जा निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट शब्द है अवशिष्ट प्रबंधन। मान लीजिए कोई व्यक्ति अवशिष्ट पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ देता है तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। जब इसके हम लोग प्रबंधन करते हैं तो इस पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, अर्थात वैश्विक अवशिष्ट प्रबंधन आउटलुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसकी शुरुआत 1985 में किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो शब्द है प्रेस और स्वतंत्रता। प्रेस के लिए जरूरी है कि किसी प्रकार का बाधा नहीं हो, क्योंकि तभी वह स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज को समाज के सामने रख सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार के बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, अर्थात विश्व स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह रिपोर्ट आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट इन संस्था द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। आइए इन दोनों संस्थाओं को याद करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर आपको भुखमरी शब्द याद रखना है। यदि किसी देश में भुखमरी उत्पन्न होती है, ऐसे में पूरे विश्व के लिए चिंता के विषय है। भुखमरी की जो चिंता है पूरे वर्ल्ड वाइड को होगा। दूसरे संस्था में देखिए, एक हंगर शब्द है। हंगर का अर्थ होता है भुखमरी, तो यहाँ से भी आप जोड़ के याद रख सकते हैं। अर्थात वैश्विक भुखमरी सूचकांक आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्पे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 6 मापदंडों के आधार पर जारी किया जाता है। उसमें पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, तीसरा सामाजिक आज़ादी, चौथा है सामाजिक समर्थन, पांचवा है उदारता, छठा है भ्रष्टाचार। इन सभी के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको शब्द याद रखना है सतत विकास। यदि कोई कंट्री सतत विकास चाहता है तो उसका एकमात्र समाधान है वह खुश रहना। ये सभी रिपोर्ट को इस कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।